हेलो फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में आपने सीखा पाइथन को इंस्टॉल करना। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे यूज़ करें पाइथन शेल इंटरेक्टिव मोड में। पाइथन शेल इंटरेक्टिव मोड में यूज़ करना एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। इससे हम अपने प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट कमांड्स को टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मल फाइल बनाए और सेव किए। इसे कैसे यूज़ करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले जाएँ स्टार्ट मेन्यू पर, टाइप करें पाइथन, सेलेक्ट करें IDLE, अब आपका पाइथन शेल खुल चुका है। इसमें आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, टाइप, कॉपीराइट, क्रेडिट्स और लाइसेंस। अगर आप कॉपीराइट टाइप करें और एंटर करें तो आपके पास पाइथन की कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह आप क्रेडिट्स और लाइसेंस भी टाइप कर सकते हैं। लाइसेंस टाइप करने पर आपको पाइथन की हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा। पाइथन शेल इंटरेक्टिव मोड में एक बहुत ही यूजफुल टूल है। आप चाहें तो अपनी कमांड्स को टेस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका सिंटेक्स सही है या नहीं बिना किसी फाइल को सेव करें। हम आपको अभी कुछ पाइथन कमांड्स लिखते हैं और देखते हैं उन्हें कैसे रन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर आप एंटर दबाएंगे तो आपको एकदम ही रिजल्ट मिल जाएगा। आपको फाइल सेव करने की या रन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह आप और भी स्टेटमेंट रन कर सकते हैं, जैसे प्रिंट आई एम व्यूम, एंटर और वो प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि आपने हाई स्कूल एलजेब्रा में सीखा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनमें हम कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आप पाइथन में भी उसी तरह वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्स, और हम इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं 10। अब आप चाहें तो इस वेरिएबल को प्रिंट भी कर सकते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि है 10। इसी तरह आप वेरिएबल्स में वर्ड्स को भी सेव करा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। उसके लिए हमें डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। इसे हम स्ट्रिंग्स को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लिखते हैं नेम में मेरा नाम जो कि है व्योम, और उसे नेम में सेव करा दिया। अब हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक्स को प्रिंट किया था, प्रिंट नेम करके प्रिंट हो। आप चाहें तो पाइथन शेल को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 2 + 2 = 4। और हम थोड़ी और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे d5 / 5.5 / 12, तो आंसर आ गया 6.7। इसी तरह आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शेल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जाएं ऑप्शंस पर, कॉन्फ़िगर आइडल पे जाएं, और आपके पास कई सारे ऑप्शन आएंगे जैसे फॉन्ट्स, हाइलाइटिंग, कीज एंड एक्सेट्रा। फॉन्ट्स में जाकर आप अपने फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो फॉन्ट का साइज 10 से बढ़ाकर 20 कर देता हूँ। अप्लाई करके हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह आप और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप शेल में जाकर अपने शेल को रीस्टार्ट करते हैं तो आपने जो वेरिएबल्स को में वैल्यू सेव करी थी, अब वो शेल हमारा याद नहीं रखेगा। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं वैल्यू एक्स की वैल्यू प्रिंट करूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अब उसे याद नहीं है। अगर हमें एक्स को प्रिंट कराना है तो हमें उसे दोबारा वैल्यू देनी होगी। इसी तरह रिस्टार्ट करने पे
शेल हमारी सारी वैल्यूज को भूल जाता है। अब आपने सीखा कि शेल को कैसे यूज करें, कैसे उसका यूज डिफरेंट कमांड्स को टेस्ट करने के लिए करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे एडिटर विंडो का यूज करें। थैंक यू।